बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा रेशो का नया लेक्चर होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सॉल्यूशन पे आएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्यूट द डेटर्स टर्नओवर रेशो एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 2009 और 2010 का गिवन है। सबसे फर्स्ट में दिया गया है ग्रॉस सेल्स, जिसको हम टोटल सेल्स भी कहते हैं, फिर कैश सेल्स, सेल रिटर्न्स, डेटर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर, बिल रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, डेटर्स एट द एंड ऑफ ईयर, बिल रिसीवेबल एट द एंड ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा गिवन है वो 2 साल का गिवन है और जो फार्मूले हमारे पास पूछे गए हैं वो 2 फार्मूले पूछे गए हैं, जो कि ऊपर कह रहे हैं कंप्यूट द डेटर्स टर्नओवर रेशियो। अब स्टूडेंट्स, जो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब क्वेश्चन के मुताबिक जो फर्स्ट फॉर्मूला है डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अब ये जब हम फाइंड करेंगे तो हम ये दोनों सालों के लिए फाइंड करेंगे, यानी 9 के डेटा के लिहाज से अलग से और 10 के डेटा के लिहाज से अलग से, और सेकंड जो फॉर्मूला है डेटर्स कलेक्शन पीरियड, ये भी हम दोनों सालों का अलग अलग फाइंड करेंगे, यानी एक फॉर्मूला दोनों सालों का अलग अलग। अब स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम निकलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला पूछा गया है वो है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो आप लिख लेंगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, जो कि हम स्टूडेंट्स पहले भी कर चुके हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स। अब स्टूडेंट्स याद रखें, फॉर्मूला हमने लिख लिया है, लेकिन हमने जो फॉर्मूला सॉल्व करना है वो दोनों ईयर्स के लिए अलग अलग करना है। तो आपने फॉर्मूला 2 दफा नहीं लिखना, बल्कि आप इस तरह करें, फॉर्मूला आप एक ही दफा लिख लें। अब यहां भी सिर्फ ये लिख लें कि 2009 लिख लें और यहां लिख लें 2010। जो 9 का डाटा होगा वो हम यहां लिख लेंगे और 10 का डाटा यहां लिख लेंगे। अब स्टूडेंट्स, फॉर्मूला हम लिख चुके हैं डेटर्स टर्नओवर रेशियो का, जिसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, नेट क्रेडिट सेल्स। याद रखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर्स में भी ये फॉर्मूला आ चुका है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ सेल्स लिखा हो तो आपने इज्यूम करना होता है कि वही जो सेल्स है वो कौन सी है, नेट क्रेडिट सेल्स है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स, टोटल सेल्स और ग्रॉस सेल्स या सेल रिटर्न्स इस तरह के पॉइंट्स गिवन हो तो आप लोगों ने नेट क्रेडिट सेल्स को फाइंड करना होता है। लेकिन अगर सिर्फ सेल्स लिखा हो, इट्स मीन आपने इज्यूम करना होता है वही सेल जो है वो कैश के भी हैं और वही सेल्स क्रेडिट के भी हैं, यानी आप लोगों ने फिर इज्यूम करना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डेटा में खुद गिवन है ग्रॉस सेल्स, कैश सेल्स, सेल रिटर्न्स, यानी हमने फिर क्या फाइंड करना है, नेट क्रेडिट सेल्स। तो अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पहले लिख लेते हैं नेट क्रेडिट सेल्स। स्टूडेंट्स हमने ये लिख लिया, लेकिन हम यहाँ इस तरह लिख लेते हैं 2009 और यहाँ लिख लेते हैं 2010, क्योंकि दोनों सालों के लिए हमने फॉर्मूला सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है ग्रॉस सेल्स। अब ये हमारे पास जो 9 की गिवन है वो है 9,50,000 और जो 2010 की गिवन है वो है 8,00,000। आप स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, बीच में इस तरह लाइन भी लगा सकते हैं अपनी आसानी के लिए। फिर स्टूडेंट्स याद रखें ग्रॉस सेल्स मतलब टोटल सेल्स हैं, इसमें प्लस या माइनस क्या कर देंगे, कैश सेल्स, और एक और चीज माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। याद रखें स्टूडेंट्स, सेल रिटर्न की जगह आपको वो रिटर्न इनवर्ड बी कह सकते हैं, इट इज अ सेकंड नेम ऑफ सेल रिटर्न्स। अब स्टूडेंट्स हम दोनों सालों का डेटा इसमें लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, 1,00,000 कैश सेल्स हैं 2009 की और 50,000 सेल रिटर्न्स है, और जो 10 में वो हमारे पास क्या है, 75,000 कैश सेल्स हैं और 25,000 सेल रिटर्न्स है। अब क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, हम इसमें से ग्रॉस में से इस कैश सेल और सेल रिटर्न्स को माइनस कर लेते हैं, तो 9,30,000 में 1,00,000 और 50,000 माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 8,00,000। इसको हम स्टूडेंट्स क्या नाम देंगे, नेट क्रेडिट सेल्स, मैंने शॉर्टकट N.C.S, यानी नेट क्रेडिट सेल्स आप लोग वहां पे पूरा लिखेंगे, और यहां पे स्टूडेंट्स जब हम माइनस कर देंगे तो ऑलमोस्ट 7,00,000 की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या आ गया, नेट क्रेडिट सेल्स की वैल्यू आ गई है। तो हम फॉर्मूले पुट कर लेते हैं, यहां पे 2009 की जो नेट क्रेडिट सेल्स आ गई है वो 9,00,000, 8,00,000, और 2010 की जो नेट क्रेडिट सेल्स आ गई है वो 7,00,000।
होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को पॉइंट की समझ आ रही होगी। अब स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें क्या चाहिए, एवरेज डेटर्स फॉर बोथ इयर्स जो कि नेट क्रेडिट सेल हम फाइंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अब हम यहां पे लिख लेते हैं जो कि हमें फाइंड करना है क्या, एवरेज डेटर्स। तो यहां हम लिख लेते हैं एवरेज डेटर्स, यहां स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं 2009 और यहां लिख लेते हैं 2010 जिस तरह हमने ये लिखा था। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो मैंने कहा था कोई भी चीज जो आपको एवरेज में दी गई हो तो उसकी ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू दोनों होना जरूरी है, तब टू पे डिवाइड करेंगे तो वो एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। बेशक वो एवरेज डेटर्स हो तो हमें ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स चाहिए। अगर सपोज एवरेज स्टॉक हो तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, तब टू पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एवरेज डेटर्स है, हमारे पास ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दोनों होंगे तब ही टू पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। इन केस क्वेश्चन में सिर्फ ओपन डेटर्स हो या क्लोजिंग कोई एक हो तो आपने उसको टू पे डिवाइड नहीं करना, बल्कि आपने अज्यूम करना है वही वैल्यू आपकी सीधी सीधी एवरेज में आ जाएगी। टू पे डिवाइड नहीं करना अगर कोई एक गिवन हो, ओपनिंग या क्लोजिंग। अब स्टूडेंट्स 2009 के लिए हम देखते हैं, हमारे पास लिखा हुआ है डेटर्स इन द बिगिनिंग, यानी हमारे पास ये क्या है, ओपनिंग डेटर्स है, फॉर्मूला पहले से लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, प्लस क्लोजिंग डेटर्स होना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए फिर इसको टू पे डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। यानी फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, देखिए मैंने फॉर्मूले में कुछ जगह छोड़ दी है इसलिए कि देखिए जरा हमारे पास देखो बिल रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, याद रखिए स्टूडेंट्स मैं यहां लिखा प्लस ओपनिंग शॉर्टकट लिख रहा हूं B/R बिल रिसीवेबल, ओपनिंग बिल रिसीवेबल स्टूडेंट्स एज अ इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग डेटर्स। तो जो लिखा हुआ हमारे पास बिल रिसीवेबल एट द एंड, इट्स मीन यहां लिखेंगे प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। याद रखिए स्टूडेंट्स, अगर बिल रिसीवेबल ना होते तो ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर। अब आपने यहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि सर आपने यहां पे चार पॉइंट्स को ऐड किए हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ओपनिंग बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग बिल रिसीवेबल इज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। तो इट्स मीन आप ये समझे ये दोनों मिला के एक पॉइंट है और ये दोनों मिला के एक पॉइंट है, यानी ये दोनों ओपनिंग डेटर्स ही हैं एक ही, और ये दोनों को मिला के एक ही वैल्यू है क्लोजिंग डेटर की। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, 2 पे डिवाइड करना है 4 पे नहीं करना। अब स्टूडेंट्स इसमें हम पुटिंग कर लेते हैं, हमारे पास ओपनिंग डेटर्स जो है वो 73,000 प्लस ओपनिंग बिल जो है वो 10,000 है और प्लस जो क्लोजिंग हमारे पास डेटर्स हैं वो है 1,02,000 और प्लस 15,000 हमारे पास है क्लोजिंग बिल रिसीवेबल और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब स्टूडेंट्स इनको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 83,000 प्लस इनको ऐड करेंगे तो 1,17,000 और डिवाइडेड बाय 2। तो स्टूडेंट्स इनको ऐड करने के बाद 2,00,000 की वैल्यू आ गई और 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1,00,000 की वैल्यू आ जाएगी। यानी स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2009 के एवरेज डेटर्स है वो कितने हैं, 1,00,000 है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स इनको हम डिवाइड कर देंगे तो इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट क्या आंसर आ जाएगा, 8। और स्टूडेंट्स साथ हम क्या लिख लेंगे, टाइम्स। मैंने शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि टी फॉर टर्नओवर टी फॉर टाइम्स। होप सो आपको इस फॉर्मूले की समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट 2010 के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज डेटर्स। याद रखिए स्टूडेंट्स आपने बार बार फॉर्मूला नहीं लिखना, हाँ अगर आप मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेकिन वहां पे लाजमी नहीं है कि आप बार बार फॉर्मूला लिखें जिस तरह यहाँ पे एक दफा लिखा था। तो हम शॉर्टकट लिख लेते हैं ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास यही है, लेकिन अगर हम 2010 के डेटा पे आए तो हमारे पास डेटर इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर डैश लिखा हुआ है और बिल रिसीवेबल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो भी डैश है, जबकि क्लोजिंग डेटर्स और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल हैं। जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्लोजिंग डेटर्स हैं वो 77,000 है और प्लस जो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है वो 6,000 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पजल नहीं होना, आपने यहाँ ये नहीं समझना कि सर यहाँ पे हमारे पास सर क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है तो टू भी डिवाइड नहीं करना बिकॉज सिर्फ क्लोजिंग है और यही एवरेज है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स जो 2009 यही तो कांसेप्ट है इसमें, जो 2009 की जो क्लोजिंग चीजें होंगी वो 2010 के लिए ओपनिंग होंगी। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स आज रात के 12 बजे
जो शॉप के पास या कंपनी के पास जो स्टॉक वगैरह होता है क्लोजिंग स्टॉक होगा, लेकिन अगले दिन या अगले साल के लिए वो क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक। तो यही कंसेप्ट है इस सवाल में कि आपने क्या कर रहे हैं, 2009 की जो क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है ना, वो आपने 2010 के लिए क्या बनाने हैं, ओपनिंग डेटर्स और ओपनिंग बिल रिसीवेबल। इसीलिए क्वेश्चन में उन्होंने डैश लिखा हुआ है ताकि आप इस कंसेप्ट को खुद समझें। तो आप क्लोजिंग जो डेटर्स हैं इस साल के वो 1,02,000 है, वो यहाँ पे क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बन जाएंगे। और जो क्लोजिंग बिल रिसीवेबल है वो 15,000 है इस साल के लिए, वो यहाँ पे क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, ओपनिंग। होप सो कि आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। तो इनको ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ओवरऑल जो वैल्यू आ जाएगी वो 1,17,000, इनको जो ऐड किया प्लस यहाँ पे आ जाएगी 83,000 और डिवाइडेड बाय 2। वंस अगेन स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 2,00,000 और 2 पे डिवाइड करके यहाँ पे भी 1,00,000 एवरेज डेटर्स फॉर 2010 आ जाएंगे, जो कि हम इस 1,00,000 को स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख लेंगे और डिवाइड करने के बाद इसका आंसर स्टूडेंट 7 आ गया, लेकिन टाइम बिकॉज ऑफ टर्नओवर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दो फॉर्मूले पूछे गए थे, लेकिन एक फॉर्मूला दोनों सालों के लिए अलग अलग करना है। तो इट्स मीन ये 5 मार्क्स का और ये भी 5 मार्क्स का, तो आपके 10 मार्क्स यहाँ तक हो जाएंगे। और होप्स आपको इन फॉर्मूलों की समझ अब आ गई होगी स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स लिखा हुआ था एंड डेटर्स कलेक्शन पीरियड, यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकंड मेन फॉर्मूला डेटर्स कलेक्शन पीरियड। स्टूडेंट इस फॉर्मूले का मतलब होता है कि डेटर्स वो लोग जिनको हम उधार की चीजें सेल करते हैं, उनसे हम कितने दिनों में अपने उधार के पैसे कलेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स डेटर्स कलेक्शन पीरियड का आसान फॉर्मूला बता रहा हूँ शॉर्टकट ट्रिक से, जो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है इसको आप अपोजिट उलट कर दें, यानी एवरेज डेटर्स को आप ऊपर लिख दें, एवरेज डेटर्स डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट सेल्स, आप इस पे आप क्या कर दें डिवाइड कर दें, यानी डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला अपोजिट कर दें। तो हमने ये कर लिया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन गया, लेकिन इसको मल्टीप्लाई आप ये कह दें कि डेज इन ईयर या सिंपल साथ ही लिख लें कि मल्टीप्लाई 365, बिकॉज डेटर कलेक्शन पीरियड हम कितने दिनों में उनसे पैसे कलेक्ट करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो टाइम्स में नहीं आएगा बल्कि डेज में आएगा। होप सो आपको पॉइंट समझ आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 2009 वन सेकंड और यहां क्या लिखेंगे 2010, इस फॉर्मूले का हम अपोजिट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास 1,00,000 एवरेज डेटर्स हैं और जो नेट क्रेडिट सेल्स है वो 8,00,000 है मल्टीप्लाई 365, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 1,00,000 को डिवाइड करेंगे 7,00,000 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 365 से। तो हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आ जाएगा वो होप्स आपका जो आएगा ना वैसे 45.625 और इसका आ जाएगा 52.14। अब स्टूडेंट्स याद रखें, अब मैंने ये जुबानी इसलिए आंसर लिख ली बिकॉज मैं इसको करा चुका हूँ, क्वेश्चन स्टूडेंट्स को करा चुका हूँ, इसलिए अब याद रखें स्टूडेंट्स हमें इसका आंसर डेज में चाहिए। तो कभी भी जो दिन होते हैं वो पॉइंट में नहीं होते कि आज अगर संडे है या मंडे है तो आज का दिन हाफ होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखें जब डेज में आंसर निकालना होता है तो अपने आंसर को राउंड ऑफ करना होगा। आप 45.6 पॉइंट के बाद 5 या उससे बड़ी वैल्यू हो फर्स्ट वाली तो 1 इधर आके प्लस यानी कैरी होके प्लस हो जाता है। तो 45.6 है वो कितना हो जाएगा 46 और साथ हम क्या लिखेंगे डेज, और यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना रहेगा 52 डेज ही रहेगा बिकॉज पॉइंट का जो फर्स्ट वैल्यू है वो 1 है तो 5 से कम है तो राउंड ऑफ हम नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स यहां तक इसका आंसर भी आ गया है और उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर की समझ भी आ गई होगी जो कि यहां तक कंप्लीट हो गया है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं।